मेंस्ट्रुअल वीकनेस से परेशान है। प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से यूरिन की समस्या बार बार हो रही है। खासकर फीमेल्स गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी, यूटीआई और वाइट डिस्चार्ज से परेशान है। पानी पी पी कर थक गए लेकिन पेट साफ ही नहीं हो रहा है। भूख नहीं लगती और अगर लगती भी है तो खाना नहीं पचता। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आप जानते हैं हमारी बॉडी 71% वाटर से बनी हुई है और अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले पंच तत्व के अनुसार हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती। प्रकृति का 71% भाग भी वाटर का ही होता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी पंच तत्व का बना हुआ है। यह खुद ही ठीक होने की क्षमता रखता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता। आज मैं आपको एक ऐसे चिकित्सा के बारे में बताने वाली हूँ जिसे अगर आप रोज करते हैं तो आपके शरीर में जल तत्व की कमी कभी नहीं होगी। आपको कभी कोई जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर ये थेरेपी आप रोज करते हैं तो आप उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इस वाटर मैजिक थेरेपी का नाम है हिप बाथ। दोस्तों, यह हाइड्रोथेरेपी बाथ आपके जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड समस्याओं के लिए एक रामबाण का काम करता है, जिसमें स्पेशल टाइप का टब होता है और इसमें इस प्रकार से पानी भरा जाता है कि यह आपके नेवल रीजन तक आए। इसमें बैठ कर हिप और नेवल रीजन तक पानी फील करना होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वाटर टेम्परेचर का होता है। इसे आप 3 तरह के वाटर टेम्परेचर से कर सकते हैं, लेकिन जेनिटल ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल वीकनेस के लिए आपको कोल्ड वाटर हिप बाथ ही लेना है, जिसमें पानी का टेम्परेचर 15-20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हिप बाथ जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए ही काम करता है। जब भी हम वाटर पे बैठते हैं तो हमारे स्किन में टच रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी वाटर हमारी बॉडी में टच होता है तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को वह ट्रिगर करता है। हमारे हार्मोन बैलेंस के लिए वो बहुत ही अच्छा काम करता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए आपके टेस्टिस का जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप कोल्ड हिप बाथ लेते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है और यह मेल्स में इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप रोज 1 month कोल्ड हिप बाथ लेते हैं 15-20 डिग्री सेल्सियस में केवल 2-3 मिनट के लिए, तो आपकी इनफर्टिलिटी के लिए यह बहुत हेल्प करेगा। वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आप जब भी शावर लेते हैं, नहा के आते हैं तो कितना फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि यह आपके न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम को ट्रिगर करता है। यह आपके हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करता है। जब आप शॉर्ट टाइम के लिए कोल्ड हिप बाथ लेते हैं जैसे 2-3 मिनट के लिए, तो यह उस पर्टिकुलर पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और जिससे आपके पेल्विक ऑर्गन्स, आपके ब्लैडर, पेल्विक ऑर्गन्स और मलमूत्र विसर्जन वाले पार्ट को इन्फ्लुएंस करता है। जिनको भी रात में बार बार पेशाब होता है, स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है, लिवर का साइज बढ़ा हुआ है, ब्रेन में कंजेशन है, उनके लिए 2 मिनट का कोल्ड हिप बाथ बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। बेसिकली कोल्ड हिप बाथ आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो यह आपके सारे पेल्विक ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोल्ड हिप बाथ करने के लिए सबसे पहले आपको 1 glass पानी पीना है। उसके बाद टब में बैठना है कुछ इस प्रकार से और टब में नेवल रीजन तक पानी को फिल अप करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है या वीकनेस लग रहा है तो आपको हॉट फूड बाथ लेना है साथ में, यानी कि गुनगुने पानी में पैर को डुबाना है। 2-3 मिनट इसको कर लेने के बाद आपको 15 मिनट्स या हाफ एन आवर तक वॉक करना है। यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छा कर देगा, यह आपके हार्मोन को बैलेंस कर देगा 15 मिनट्स का वॉक। तो दोस्तों, अगर आपके रिलेटिव्स में या किसी को भी ऐसी कोई भी समस्या है तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। नमस्कार, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।